पहुंच चुके हैं कोटा, ये जिया जी हमको लेने आए। हाय करो। तो गाइस ये है इंडिया हॉस्टल का टेरेस। पहली बार बताऊं मेरी साइकिल से है, बस ये आगे चली गई यहीं पे। हां तेरी जैसी है बिल्कुल। इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, जैसे तैसे करके कैसे भी करके पहुंच गया। मेरा फेवरेट है और नींबू मिर्ची लगा के तो बहुत टेस्ट लगता है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसे कि हम लोग बाइक पे चल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बैग वगैरह सब। तो हम दोनों जा रहे हैं आज कोटा। तो कोटा क्या लेने जा रहे हैं वहाँ जाके बताऊंगी मैं। अर्जेंट में जाना पड़ रहा है शाम को, सुबह प्यास से देर, लेकिन आपको पता है बारिश का मौसम है तो मतलब गांव के रास्ते में बकरिया वगैरह ये मिलेगी आपको। जल्दी से चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। बाय बाय, टाटा। पहुंच चुके हैं कोटा, ये जिया जी हमको लेने आए। हाय करो। इनके पास ही जाएंगे हम। तो इनके जो मतलब कहीं रहते हैं बताएंगे कहाँ रहते हैं ये। और ये सिटी पार्क का गेट है, अच्छे से दिख नहीं रहा लेकिन अभी बहुत बड़ा है। अब आएंगे अभी तक कभी, आपको इसका भी ब्लॉग बनाएंगे बनाएंगे ना। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, मैं थक गई थी, मैंने चेंज भी कर लिया। और ये इनका रूम है, पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा इनको दोनों को, एक दीदी है और एक जिया जी है। तो दोनों यहाँ रहते हैं, जॉब भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बेस्ट है हॉस्टल। अब ऐसे पतली होती है हॉस्टल में। तो गाइस ये मटर पनीर की सब्जी है और ये है बेसन की मिर्ची। खा लेती हूं, भूख भी लग रही है, मुझे पढ़ाई भी करनी है सुबह पेपर। हाँ अभी तो पढ़ाई करनी है, कल पेपर है यार। गाइस खाना वगैरह तो खा लिया और अभी रानू फिलहाल पढ़ाई कर रही है, तो पढ़ाई तो होगी इसकी। चलते खाना वाना खाया है तो छत पर घूम ले, क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है देखो, आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ मैं। ये देखो 11:18 हो गए, तो जल्दी से छत पर थोड़ी बहुत देर, इसको भी पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी। मतलब गाइस ये हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल। तो यहाँ पे ना पीछे तो सिटी पार्क है, आप लोगों ने किसी भी देखा सिटी पार्क नहीं देखा अभी तक, आप लोग देंगे उसका भी पता नहीं कब लेके आएंगे घुमाने मुझे। तो सिटी पार्क है, नहीं आगे सिटी पार्क, तो पीछे मॉल है, मतलब बहुत इनकी चीजें बहुत पास में सारी। तो जल्दी से दिखा दे, छत पे दिखती है। पढ़ते पढ़ते इसको नींद भी आ रही थी, तो चलते छत पे। तो गाइस ये है इंडिया हॉस्टल का टेरेस और आप देख सकते हो बहुत बड़ा है और मतलब इतना अच्छा है, बड़ा थे मतलब ठीक ठाक है। और इतना अच्छा मतलब बारिश वगैरह है ना, तो यहाँ पे टीन शेड वगैरह लगा, टीन शेड हो रहा है, बारिश भी आ रही है। हाँ, आ रही है, देखो आवाज आ रही है, लेकिन हमारे ऊपर ब्यूटी पानी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो टीन शेड लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो जिम, देखो ये जिम के सामान है, मतलब ये रनिंग वगैरह ये सारे। तो गाइस आपको जैसे पता है बॉयज हॉस्टल है, तो बॉयज ऑब्वियसली बहुत सारे जो ऐसे जिम करते हैं, गर्ल्स तो फिर भी कम करती है जिम के। यहाँ पे सब कुछ है, अभी मैं करूंगा। ये रनिंग रनिंग मशीन है, तेरे को चलना तो आता है ना, कभी जिंदगी में चली नहीं, इधर निकल। मेरे को तो आती है, रहने बाल गिर जाए, अरे गिर जाएगा हाथ पर तोड़ वाली, कल तो पेपर है। हाँ तो रहने इधर आ जा। और ये साइकिल है, ये रोड़े वगैरह है जो हाथ से उठाने के डंबल वगैरह। और आप लोगों को दिखाता हूँ वो जो सामने दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से लेकर वो लाइटिंग हो रही है ना, वहाँ तो पूरा इतना बड़ा सिटी पार्क है, सिटी पार्क है यहाँ तक ये पूरा। हाँ ये पूरा, ये मैं बताऊँ, ये जो दिख रहा है सामने ये सिटी पार्क है, सिटी पार्क का अंडा है ना, और वो जस्ट वहाँ पे वो सिटी मॉल है। पूरा पीछे जितना वहाँ तक दिख रहा है, क्या होगा यार, एक बार मतलब बहुत ही शानदार, इतना अच्छा व्यू लग रहा है ना, बहुत शानदार खाना खा गया। अभी 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 मतलब अभी 11:30 का टाइम हो रहा है, 11:30 बज चुकी है और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना हॉस्टल के बहुत सारे मतलब छोटे ज्यादा बड़े थे नहीं, छोटे छोटे लड़के थे यार, हॉस्टल लाइफ भी अलग ही होती है लड़कों की, बहुत सारे ऐसे मतलब फनी बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। सर्दी तो लगेगी ना, क्योंकि अभी बारिश आ रही है। अभी देखो गाइस आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, ये देखो यहाँ पे छींटे दिख रहे हैं हल्के हल्के से, बारिश आ रही है अभी। हाँ तेरी जैसी है बिल्कुल। और मैं बताऊँ इसको, ये है ना खाना खाने के बाद पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते करते बस ऐसे अपास ही लगी नींद। इसने कम से कम दो बार तो मेरे को बोल दिया था कि मेरे को नींद आ रही है, नींद आ रही है, मैं कह रहा हूँ पढ़ 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 पढ़। तो भाई आप लोगों को आज बता देते हैं बहुत दिनों में, क्योंकि यही वजह थी ब्लॉग नहीं आने के, एक तो मेरी जॉब का टाइम, जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल रहा, एक है ना इसके ये बीपीएड का एग्जाम था जो कल खत्म हो जाएगा, तो पढ़ाई वगैरह चल रही थी। मेरा बहुत अच्छा एग्जाम जाए, जिस हिसाब से तूने पढ़ाई की ना, बताऊंगी मेरा आज मतलब मकसद यही, अब तो पेपर जाए रह जाए दूसरा दिन और मैं तैयार हो चुकी हूँ, धो के रेडी हो गई हूँ, जल्दी से चलते हैं। मैं वैसे भी टाइम हो गया, पहले नाश्ता करेंगे, नाश्ता लेने जा रहे हैं, तो जल्दी से लेके आओ, उसके बाद चलते कुछ खा के जाऊँ ना 2 बजे तक। पेपर टाइम भी हो गया तो जल्दी से नाश्ता लेके आता हूँ। बारिश चल रही थी अब जाके निकली है, और इधर रानू का एडमिट कार्ड निकलवाना आया था, तो एडमिट कार्ड निकल रहा है, और उधर जवाई जी आए मेरे साथ, तो नाश्ता वगैरह ले रहे हैं, तो जल्दी से नाश्ता ले लेते हैं और एडमिट कार्ड निकलवा लेते हैं, फिर चलते हैं क्योंकि बारिश वापस से आ सकती है, जल्दी सेंटर में पहुंचते हैं, टाइम हो गया जल्दी से। तो यार गाइस नाश्ता वगैरह लेके आ गए और रानू बैग वगैरह लेके आ गई, बारिश आ रही है, खाक मत खा, मैं तो लेके आ गया खा ले जल्दी।
लगता है टाइम लेके आया ना, एडमिट कार्ड निकलवा के ले आया, ये दो पेन लेके आया हूँ देख, बॉल पेन है ठीक है ना, अच्छे है ना, मैं दोनों ये ब्लू लगे और ये एडमिट कार्ड है। तो यार आज खाना होना खा लिया, खाना खा के अब चलते क्योंकि टाइम हो गया आधा घंटा बच, हाँ सॉरी कचोरी, हाँ तो ये मेरी बहन है मौसी की लड़की है यहाँ पे हॉस्टल में, और ये जमाई जी है, दोनों हॉस्टल में रहते, इनके पास रात पे रुके थे, बातें बातें कर ली, नाश्ता वगैरह इन्होंने करवा दिया, अब चलते जल्दी से टाइम निकल रहा है ठीक है ओके, क्योंकि अभी बारिश भी रुकी हुई है। यार जैसे तैसे पहुंच गए, रानू अभी लाइन में लग रही है, इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, जैसे तैसे करके कैसे भी करके पहुंच गए, पुलिस वाले अंकल ने भगा दिया, अब निकल रहा हूँ मैं रोड पे, रोड क्रॉस करके बाहर निकल जाके बैठते कहीं गार्डन में, उधर तो पुलिस वाले रुकने ही नहीं दे रहे, सबको भगा दिया। कैसा गया पेपर? अच्छा ये मैंने भी ले ली। तो गाइस हम निकल गए थे, रास्ते में रुके और सारा दिख गया, मेरा फेवरेट है, और नींबू मिर्ची लगा के तो बहुत टेस्ट लगता है, आपने कभी खाया हो तो बताना कमेंट में कैसा लगता है। तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ, गरम गरम है और इनका भी बन रहा है अभी, अभी मेरा गरम हो रहा है। आंटी जी 20 के दो, मतलब 20 का एक दिया है, अमेरिकन वाला देसी पता नहीं कौन कौन से अलग अलग है ना, पर यू कहा कि ये जो अमेरिकन वाला है ये मतलब मीठा लगता है, ये इसने 20 का एक दिया ना, टेस्टी है ना, तो इसके तो तैयार था, अब मेरे लिए बन रहा है तो जल्दी से लेके खा के चलते हैं। और जो भी है जो आंटी से, आंटी जी से खाना, इधर से आते ना कोटा की तरफ से, तो स्टार्टिंग में दुकान इनकी आती है। तो गाइस हम लोग आ गए, घर पे पहुंच गए, मैंने खाना वाना बना लिया और आपको मैं आंखें वगैरह देख के लगी रहा होगा, मैं थक गई, और आप नहीं मानोगे गाइस दो दिन से मौसम खराब हो रहा है, गले में खराश हो रही, जुकाम हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे, और मैंने खाना वाना बना लिया, आप जल्दी से खाना खाएंगे, भूख लग गई और सोएंगे, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और आज जाके टेंशन फ्री हुई हूँ क्योंकि मेरा पेपर था, आए हुए तो बहुत टाइम हो गया, पर ब्लॉग ही शूट आए हुए तो बहुत टाइम हो गया, उसके बाद बाहर गए, मैंने इतना सारा काम किया, पूरा रूम साफ किया, जल्दबाजी में गए थे कल, खाना बनाया, खाना भी बना लिया, दाल बनाई ना, दाल ढोकली है ना, पापा से बात कर ली, ठीक है चलो ठीक है गाइस खाना वाना खा लेते हैं।